हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आप लोग यानी जितने भी बेल्टोन के कर्मी हैं और जो भी भविष्य में बेल्टोन के कर्मी बनने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है फ्रेंड्स। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना। हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, पंचायती राज विभाग की तरफ से बड़ी खुशखबरी, ठीक है, निकल के आ रही है। पंचायत विभाग की तरफ से जो है बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, जो मैं आपको लेटर के साथ दिखाने वाला हूं, ठीक है। साथ में पंचायती विभाग में जो फ्रेंड्स 8067 वैकेंसी आने वाली है, उस पर हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं कि कब आने वाली है और क्यों यहाँ पे देरी हो रही है वैकेंसी आने में, न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों जल्द नहीं हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन में क्यों देरी लग रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस लेटर पर देख सकते हैं, ये लेटर जो है पंचायती राज विभाग की तरफ से निकल के आ रही है। विषय में क्या है फ्रेंड्स कि कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर जिले से प्राप्त अधियाचना के आलोक में डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने के संबंध में। पूरा लेटर पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इस लेटर में कहा गया है कि रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, मेघापुरा एवं नालंदा को छोड़कर, इन जिलों को छोड़कर बाकी सारे जिलों में अभी भी टोटल 265 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रिक्त हैं, ठीक है। इन जिलों में खाली है सीट, ठीक है, इसलिए पंचायती राज विभाग के जो है यहाँ पे निर्देश डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने खुद यह लेटर लिखा है सभी जिले पदाधिकारी को इन जिलों को छोड़कर, ठीक है, ताकि रिक्त पदों के विरुद्ध बेल्टोन को अधियाचना जल्द से जल्द भेजी जाए। रंजीत सर ने अपना काम कर लिया है फ्रेंड्स। अब आप लोगों को एक काम करना है, जितने भी जिले में रिक्तियां खाली है वहाँ के जितने भी पास आउट बेल्टन कैंडिडेट है, तो वहाँ पे आप लोग जाके अपने अपने जिला पदाधिकारी को यानी कि या फिर पंचायती राज पदाधिकारी को लेटर दे सकते हैं कि जल्द से जल्द अधियाचना भेजी जाए बेल्टन को। आपको जिला पदाधिकारी के वहाँ पर जाना है और सर से रिक्वेस्ट करना है, सर आपके ज़िले में पंचायतों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद अभी भी खाली हैं, आप लोग जिला पदाधिकारी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, जिससे कि आप लोगों का यानी कि जितने भी बेल्टोन के पास आउट कैंडिडेट हैं बचे हुए, ठीक है, आप लोगों का नियोजन जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जो बार बार कॉल या मैसेज करते रहते हैं कि बेल्टोन के न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक शुरू हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन में देरी क्यों लग रहा है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है, इसलिए सब्र कीजिए और बेल्टोन के एग्ज़ाम का जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही जल्द न्यू वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल सकता है। वैकेंसी आने में क्यों देरी लग रहा है फ्रेंड्स, वो भी हम लोग अच्छा चर्चा करने वाले हैं अच्छी तरह से, ठीक है। न्यू रेस्टेंट कब तक हो सकता है, यह बात खुद बेल्टोन को भी फ्रेंड्स अभी पता नहीं है कि कब से न्यू रेस्टेशन निकलने वाली है, ठीक है। अभी कोई ऑफिशियल लेटर या डेट फिक्स नहीं हुआ है बेल्टोन की तरफ से कि न्यू फॉर्म कब तक आ सकता है, ठीक है। एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स कि 2023 तक पक्का आएगा, ठीक है। बात करें तो न्यू रेस्टेशन की देरी इसलिए लग रहा है फ्रेंड्स कि सभी जिलों में पंचायत भवन बन के तैयार हो जाएंगे, तभी तो हर पंचायत में RTPS काउंटर खोले जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या है फ्रेंड्स, कुछ जिलों में जो है RTPS काउंटर खोला जा चुका है, ठीक है। जिन जिलों में पंचायत भवन बनकर तैयार हो गया है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि किसी जिले में पंचायत भवन बन चुका है और कहीं पंचायत भवन निर्माण कार्य चल रहा है, तो किसी जिले में जमीन विवाद के मामले को लेकर पंचायत भवन निर्माण का कार्य अभी रुका हुआ है, ठीक है। जमीन को लेकर विवाद खत्म होते ही पंचायत भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा,
फिर सारे जो है पंचायत भवन बनकर तैयार हो जाएंगे, फिर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो सारे पंचायत में आरटी पास काउंटर खोलने के लिए बेल्टन को 8067 रिक्त पदों पर, यानी 8067 पंचायत भवन है अभी फिलहाल पूरे बिहार में। ठीक है, तो 8067 रिक्तियाँ जितने भी है बेल्टन को भेजी जाएगी, फिर आप लोगों को जो है न्यू फॉर्म यानी न्यू रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आप लोगों को डेट तो फिक्स नहीं बता सकता फ्रेंड्स, डेट तो अभी बेल्टन खुद नहीं बता सकता कि न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक आ सकती है। ठीक है, हम लोग क्या है फ्रेंड्स कि आप लोगों को अनुमान लगा के बता रहा हूँ कि 2 महीने में हो सकता है या फिर 6 महीने में हो सकता है। ठीक है, मैं आपको 2 महीने 6 महीने का अनुमान नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि 2023 तक न्यू रजिस्ट्रेशन आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इतना ध्यान मत दे न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक आ सकता है, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन आने में अभी देरी है। ठीक है, अभी आपको टाइम है, आप अच्छी तरह से तैयारी कर ले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग तैयारी में लग जाए फ्रेंड्स मैं आपको एक अनुमान के साथ बता रहा हूँ कि 2023 तक पक्का जो है न्यू रजिस्ट्रेशन बेल्टन की देखने को आपको मिल सकता है। ठीक, इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, अगर आप बेल्टन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक आ सकती है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।